टीवी के जाने माने एक्टर आशीष रॉय की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि ये बहुत लंबे समय से बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनके शरीर में पानी जमने की शिकायत के चलते वो कुछ महीनों से मुंबई के कृति केयर हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन हालात ठीक ना होने के बावजूद पैसों की तंगी के चलते मजबूरी में उन्हें डिस्चार्ज होकर घर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि 2019 में आशीष को पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से वो लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट थे। इसके बाद उनको काम मिलना बंद हो गया और वो अपनी जमा पूंजी के सहारे ही दिन गुजार रहे थे। आपको बता दें कि स्पॉट बॉय से खास बातचीत में आशीष ने कहा कि मैं 24 मई को ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था, क्योंकि मेरे पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे। बिल 2 लाख तक पहुंच गया था, जिसे मैंने जैसे तैसे भरा, लेकिन अब आगे के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा डायलिसिस अभी भी चल रहा है और अगले 2 महीनों तक ये चलता रहेगा। मुझे हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है और 3 घंटे के लिए डायलिसिस का तकरीबन 2000 रुपये का खर्च आता है। वहीं उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त सूरज थापर ने सलमान खान और उनके फाउंडेशन बींग ह्यूमन से मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा, मैंने सलमान खान से मदद मांगी, लेकिन अब तक मुझे कोई मदद नहीं मिली है। ऐसे में मेरी बात उन तक पहुंची या नहीं, ये मैं नहीं जानता। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से भी मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने मैसेजेस पर लिखा था, मैं ICU में हूँ और बीमार हूँ, मुझे डायलिसिस के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है।